हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक नई अपडेट है। जैसा कि कल की डेट में ट्विटर अभियान स्टूडेंट द्वारा चलाया गया था लेखपाल भर्ती में पीटी के कट ऑफ को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों इसके अलावा भी और भी मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा यूपीएसआई के भर्ती धांधली को लेकर। जैसा कि आज ट्विटर कैंपेन चल रहा है, 9 बजे से स्टार्ट है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता होगा कि बीआरपीसीएस का भी पेपर लीक हो चुका है। इस तरह की तमाम जो भी खबरें हैं मैं आपको देना चाहूंगा। पहले लेखपाल की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा यानी पीईटी का कट ऑफ जारी करने के खिलाफ प्रतियोगियों ने मोर्चा खोल दिया है। आयोग ने अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 62.96, एससी कैंडिडेट के लिए 61.80 और एसटी कैंडिडेट के लिए 44.71 कट ऑफ अंक जारी। विरोध कर रहे प्रतियोगियों ने कट ऑफ कम करने की मांग उठाई। इसके लिए रविवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। ट्विटर पर जस्टिस ऑफ यूपी लेखपाल स्टूडेंट रविवार को ट्रेंड करता रहा। शाम तक 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए। इसे सीएम यूपी ऑफिस एम योगी आदित्यनाथ यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल को भी टैग किया गया। प्रतियोगी संजय यादव, प्रदीप पांडे, नीलम पांडे, रियाज अहमद, अनिरुद्ध पांडे का कहना है कि आयोग ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। आयोग ने वर्ष 2021 में परीक्षा कैलेंडर जारी किया, उसमें अगस्त में पीईटी प्रस्तावित थी जिसे समय पर कराया गया। इसमें लेखपाल भर्ती परीक्षा नवंबर 2021 में प्रस्तावित थी जो अब 19 जून को प्रस्तावित है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का फॉर्म जनवरी 2022 में आया। आयोग ने उसी समय पीटी का कट ऑफ अंक जारी किया होता तो 13 लाख अभ्यर्थी आवेदन क्यों करते। कोई कट ऑफ अंक जारी नहीं किए जाने से जिनके नंबर कम थे उन्होंने भी आवेदन कर दिया और परीक्षा की तैयारी में जुट गए। कोचिंग की उसमें भी रुपए खर्च किए। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 8085 पद होने के कारण प्रतियोगी ने इसे बड़े अवसर के रूप में लिया। अब 5 मई 2022 को हाई कट ऑफ अंक जारी कर आयोग ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका छीन लिया। संजय यादव के मुताबिक आयोग की इस मनमानी के खिलाफ सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में अध्यक्ष और सचिव के प्रत्यावेदन देंगे। उनकी मांग की मनमाना कट ऑफ हटाकर एक अराकारी कट ऑफ अंक घोषित किए जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो दोस्तों, जो भी इसमें बातें कही गई हैं सही बातें हैं, क्योंकि इन्होंने पीटी का एग्ज़ाम पिछले साल करवाया था और पूरी तरह से ये बातें ट्रेंड थी और नवंबर में एग्ज़ाम होने के लिए भी पूरे चांसेस थे। लेकिन इस तरह से इतना ढीलापन आयोग ने रुख अपनाया और इस तरह से इन्होंने कट ऑफ जारी किया कि कई स्टूडेंट जो ऐसा कि 6 महीने से 7 महीने से लगभग 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे थे उनके सपनों पे पानी फिर गया। इस तरह से इन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बाहर हो गए। तमाम तरह से वे लोग घर से बाहर रह के कोचिंग में फीस देकर तैयारी करते हैं और 1 मिनट में इन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। यदि यही करना था तो इन्हें पीटी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे उसी टाइम ये चीज़ कर देना चाहिए था जिससे स्टूडेंट अपना अलग अवसर ढूंढते। आगे क्या होता है तो छात्र एकजुट रहेंगे, ट्विटर अभियान फिर से करेंगे या फिर हो सकता है आयोग इस पर डिसीजन ले, आपको अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दरोगा भर्ती परीक्षा में फिर से 12 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में जालसाजी करने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महानगर पुलिस ने रविवार को 12 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जिन्हें अनुचित साधन का इस्तेमाल कर परीक्षा दी थी। एसपी महानगर जय सांडिल के मुताबिक अब तक 18 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। आरोपितों ने दरोगा भर्ती परीक्षा के में पास होने के लिए कुछ लोगों को रुपए दिए थे। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच ऑनलाइन परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। इस दौरान अलग अलग केंद्र पर आरोपित परीक्षा में शामिल हुए। तो दोस्तों, जैसा कि अब देखिए इतने धांधलेबाजी हुई है एसआई में कि जो भी स्टूडेंट मेहनत करने वाले थे, पेपर का लेवल जो था अच्छा लेवल था, दरोगा की जो भी पेपर होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन में पूछे गए थे, लेकिन इस तरह से इन्होंने धांधली किया कि 154, 155, 130 प्लस मतलब करना इस एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए कि जो भी स्टूडेंट मेहनत करने वाला है 130 लाने के लिए उसे बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। 105, 110 ये माना जाता था कि जनरल कैटेगरी के अच्छे स्टूडेंट हैं, 105, 110 यदि उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो बड़े आराम से उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह से ये लोग कट ऑफ तैयार किए क्योंकि जैसा पेपर हुआ था उसी हिसाब से कट ऑफ भी तैयार हो गया और धांधली इतने बड़े स्तर पर हो चुकी है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ही नहीं, अब केवल फाइट जो होगा यदि इसमें जांच नहीं हुई। जैसा कि आज एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का ट्विटर कैंपेन चल रहा है कि इसके लिए
एसआईटी इसकी जांच करे और देखिए क्या होता है। जब तक सीएम इस पे मीटिंग करके आदेश नहीं देते तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि दोस्तों ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे धांधलीबाज हैं जो पकड़े जाएंगे और एग्ज़ाम जो है, बहुत अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अपना DBPST ही कराने नहीं जा रहे हैं धांधलीबाजी की, हम पकड़े ना जाएँ, और जो जा रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से दरोगा भर्ती में हाल हो चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, MTS परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। अब MTS के लिए मेंस का एग्ज़ाम था, 20,000 रुपये लेकर दूसरी जगह परीक्षा में हुआ था शामिल। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग भर्ती 2020 पेपर टू की परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, पुलिस उसे गिरफ्तार पूछताछ कर रही है। रविवार को प्रयागराज के 43 केंद्रों में हुई परीक्षा में 55.17% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोस्तों बात ये है कि ये लोग पकड़े तो जाते हैं लेकिन इन लोगों पे किस तरह से कार्रवाई होती है इसके बारे में किसी को पता नहीं। रीज़न ये है कि आखिर कार्रवाई होती ही नहीं है, इसी तरह से इन लोग का मनोबल बढ़ा रहता है और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए पैसे देकर छूट जाते हैं और इस तरह से इन लोग का काम चलता है। ऐसा कानून रहता है जिससे इन्हें 10 साल तक जेल होती, जो भी जुर्माना होता वो देना पड़ता। इस तरह से कोई कड़ा नियम रहता तब जाके तो ये लोग इस तरह के कदम नहीं उठाते, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी कल के डेट में आप लोगों ने देखा होगा बिहार PCS का भी पेपर लीक हो चुका है, तो प्री का एग्ज़ाम भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। पेपर लीक के बाद BPSC 67वीं का PT रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग की 3 सदस्यीय जांच टीम ने चेयरमैन को देर शाम सौंपी रिपोर्ट। साइबर सेल करेगी वायरल प्रश्न पत्र की जांच। तो ये इस तरह की खबरें बहुत ही पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मनोबल को डाउन कर देता है, और ये सारी चीज़ें कब बंद होगी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।